ये हमने थोड़ा सा सालन लेके ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम इसका पराठा बनाएंगे। पहले तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह करके आलू को और इस सारे मटेरियल को हल्का सा हम मैशर की मदद से इस तरह करके इसको मैश कर लेंगे। पूरा हम आलू और मेथी पूरे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। कोशिश करें कि अच्छा सा मैश हो जाए। ये हमने इस तरह करके मैश कर लिया है। हमने दो छोटे पेड़े बना लिए हैं आटे के और एक हमने बड़ा ले लिया है। दो पराठे हम तैयार करेंगे, एक इन दोनों से और एक इससे। हमने खुश्क लगा लिया और इसको हम रोल करेंगे। थोड़ा सा और तरीके से हमने दोनों बेल ली हैं। अब हम इसके ऊपर मटेरियल रखेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए। बहुत मज़े का पराठा बनता है इसका। लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़े थोड़े किनारे छोड़ें जब आप मटेरियल रखें तो, ताकि उसको ऊपर से फिर बाद में दबा के सेट कर दें। हमने पहले तो इसके किनारे मिला देने हैं अच्छी तरह, ताकि हमारा मटेरियल ना निकलने पाए। अब हम इसको अच्छी तरह करेंगे और ये हम इस पे पहले खुश्का थोड़ा सा, ऊपर भी थोड़ा सा खुश्का, और इसको थोड़ा सा और बेल लेंगे। पहले सेंटर से बेलें और बहुत हल्के हाथ से, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो साइडों की तरफ फैल जाए। बस ये हमारा पराठा तैयार। पैन हमने गरम कर लिया है, हल्का सा हम देसी घी लगा रहे हैं, मेल्ट किया हुआ है। आप जिस चीज़ से मर्जी बनाएं। पैन को गरम होने देंगे। गरम हो चुका, अब हम इसमें डालेंगे। ये देखें कहीं से कोई फिलिंग नहीं निकली। ये इसकी बैक साइड है पराठे की और ये फ्रंट है, ऊपर वाली साइड है। साइड चेंज कर देनी है। पराठे की को आप मीडियम हीट पे पकाएं तो पराठा बहुत क्रिस्पी मज़े का बनता है। हमारा पराठा तैयार हो रहा है। हमने दूसरी भी पेड़े को बेल लिया है और इसका हम दूसरे स्टाइल से पकाने का तरीका एक ही है, सिर्फ इसको फोल्डिंग का तरीका अलग है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी मटीरियल लगा लिया है तो अब हम इसको यूं पकड़ेंगे और यूं हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। यूं हम इसको यूं, ये देखिए ऐसे एक पोटली की सूरत बन गया। और इसको हम थोड़ा सा यूं कर देंगे तो ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। बाकी हम बेल के तो बनाने का तरीका वही है जैसे हमने दूसरा पराठा तैयार किया था, हम इसको भी तैयार कर लेंगे। साइड चेंज करेंगे इसकी। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा पराठे पे कलर आ गया है। थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा एक दफा दोबारा चेंज करेंगे।
ये देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा तैयार हो रहा है। हमारा तैयार है, अब हम इसको निकालेंगे। निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेट के ऊपर आप कोई इस तरह कटोरी रखें और आप इस तरह उसके ऊपर निकाल लें। ये देखें पराठा, ये इसका अंदर मटेरियल कितना मज़े का तैयार हुआ है। ये दूसरा भी हमने पराठा उसी तरह ही डाला है और अब हम इसकी साइड भी चेंज करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसमें सारा मटेरियल ऊपर से नज़र ही आ रहा है पूरा। ये हमारा आलू और मेथी के सालन का पराठा तैयार है। ये देखें ये इसकी कितनी अच्छी तहे आई है और इसमें कितना अच्छा मटेरियल ये आपको नज़र आ रहा होगा। गरम गरम मज़े के पराठे ये दोनों हमने बनाए। आप इसको मक्खन के साथ, दही के साथ खाएं, आप इसको रायते के साथ खाएं, आप बेशक एक कप चाय के साथ खाएं, तो ये बहुत मज़े का आपको लगेगा। ये वही सालन जिस जो हमने तैयार किया उसके साथ पराठे तैयार किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।